हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वोया BY-M1 माइक का। एंड साथ में इस माइक के रिव्यू भी करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में है वोया BY-M1 माइक। इस माइक को मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके बाद रिव्यू भी करूँगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा इस माइक में कौन कौन सी खासियत है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग देख सकते हो मैं जिस माइक से बात कर रहा हूँ, ये मेरे सबसे पहला वाला माइक में जब यूट्यूब में नया आया था, उसके 6 महीने बाद मुझे खरीदना पड़ा वोया BY-M1 माइक। क्यों खरीदना पड़ा, उसका रीज़न क्या था, वो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। इससे आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं भी एक माइक खरीदने जाओगे तो आपका नुकसान नहीं होगा एंड आप अपना पैसा बचा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को सब चीज एक एक करके बताने वाला हूँ, आप लोगों को साउंड टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे पास ऐसा कोई भी हाईफाई DSLR कैमरा या हाईफाई स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए मैं फेस कैम वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रिव्यू नहीं कर सकता। इसलिए मैं मेरे फ़ोन को घुमा रहा हूँ रिव्यू टेबल के ऊपर, तो वीडियो पर बने रहिएगा। आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पहले जान लीजिए इस माइक में कौन कौन सी खासियत है। आप लोग नहीं नोटिस किए होंगे तो मैं आप लोग को बता दूँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिसका मिलियन में लाखों में सब्सक्राइबर है, लेकिन वो लोग अभी भी वोया BY-M1 माइक का यूज़ करते हैं। वो क्यों, व्हाट इज रीजन फॉर दिस, का कारण तो बहुत सारी है, लेकिन पहला जो कारण है, इसमें आपको हाईफाई क्वालिटी का साउंड मिलता है जो आपका जो व्यूअर्स है उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड सुनाई देता है। आप जब इस एक्सटर्नल माइक को अपने फ़ोन में लगाकर या अपने DSLR में लगाकर आप शूट करेंगे, तब इसमें जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वॉइस आपको सुनने को मिलेगा, प्रो लेवल वॉइस क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगा। यह है पहला कारण, क्योंकि आप YouTube या जो भी कोई आप वीडियो बनाते हो, आपका कंटेंट के ऊपर दम है, लेकिन आपका जो साउंड है वो बहुत ही लोएस्ट क्वालिटी का है, वो कोई भी व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। व्यूअर्स आपका जो वीडियो है वो तो देखेगा, लेकिन उसके ऊपर जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा देखेगा कट करके चला जाएगा। तो आप जो भी कोई वीडियो बनाते हो, उस वीडियो का जो वॉइस क्वालिटी है उसको अच्छा रखना चाहिए, जो इस वोया माइक में आपको मिल जाता है। और दूसरा, इस माइक का जो खासियत है, आप जब वीडियो शूट करते होंगे तब आपके पीछे एक बैकग्राउंड नॉइस सुनने को मिलता होगा, कोई गाड़ी जाने का या कुत्ते भौंकने का, तब आप वोया माइक से शूट करेंगे तो आपके पीछे का जो बैकग्राउंड का नॉइस है वो 85% रिजेक्ट कर देता है वोया माइक, उसको कैच नहीं करता है। आप जो साउंड बोलेंगे उसको ही वोया माइक कैच करता है, ये चीज है। दूसरा, इस माइक का सबसे बड़ा खासियत, और तीसरा जो खासियत है, इस माइक को सिंपली आपको एक बार परचेस करना है एंड लाइफ टाइम के लिए इस माइक को आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप जितना बड़ा यूट्यूबर हो जाओ, आप चाहो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो माइक है आपके एंड्रॉयड फ़ोन, आपके आईफोन, आपके लैपटॉप, आपके DSLR, आपके कैमरा, सब डिवाइस में इजीली सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, यही था वोया माइक का खासियत। अब हम लोग जाएंगे रिव्यू टेबल के ऊपर, वहाँ पर वोया माइक को पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ रिव्यू टेबल के ऊपर। आप लोग देख सकते हो मेरे हाथों में वोया BY-M1 माइक। मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको खोलने के बाद आपको इस तरह का एक खाम देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पैकिंग किया गया है, जिससे आपका माइक को कोई भी नुकसान ना हो। साइड कर देता हूँ इसको। दोस्तों, मेरे हाथों में आ गया है वोया BY-M1 माइक। आप लोग देख सकते हो इस माइक का जो ओरिजिनलिटी का प्रूफ है, यही लोगो है इसका ओरिजिनलिटी का प्रूफ। आप लोग ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट में वोया माइक बोलकर आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारी माइक आ जाएगा, लेकिन आपको उसमें से कोई भी माइक नहीं खरीदना है, आपको सिंपली यही माइक खरीदना है, क्योंकि यही है ओरिजिनल माइक एंड 99% यूट्यूबर इसी माइक का यूज़ करते हैं।
तो फ्रेंड्स सिंपली मैं पीछे घुमाता हूँ, देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फीचर्स की जगह पर जो फीचर्स यहाँ पर दिया गया है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जो वीडियो में आप लोगों को बताया था कोई भी झूठ नहीं बताया था, आप लोग यहाँ पर चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए स्पीकेशन भी दिया हुआ है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह के लेदर के एक बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके अंदर है वोया VY-M1 माइक, एंड फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको मिलेगा एक बुक। ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप कुछ भी नहीं जानते होंगे तो इस बुक को देख कर आप लोग सीख सकते हो, कैसे बैटरी लगाना है, कैसे इसको खोलना है, हर एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर एक वारंटी कार्ड भी है, देखिए आप लोग देख सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक जैक दिया गया है जो आप लोग DSLR में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, DSLR या लैपटॉप में आप लोग यूज़ कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर एक बैटरी दिया गया है, देखिए इसको मैं पहले ओपन किया था, खोलने का बैटरी, देखिए फ्रेंड्स एक बैटरी दिया गया है, इस बैटरी को यहाँ पर आपको लगाना है इस माइक के अंदर। और देखिए यहाँ पर एक क्लिप दिया गया है, एंड एक जो माइक के ऊपर लगाता है वो दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्लिप दिया गया है और एक इस तुला को दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं झपाझप इसको खोल लेता हूँ, देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए आपको इस तरह के देखने को मिल जाएगी वोया VY-M1 माइक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्विच दिया गया है जो कैमरास एंड ऑफ एंड स्मार्टफोन के ऑप्शन दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स इस स्विच को ऊपर भी आप लोग कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स आप नीचे करोगे तो ये आपके स्मार्टफोन में सपोर्ट लेगा, एंड स्मार्टफोन से जब आप 3.5mm जैक को आप निकाल दोगे, यहाँ से देखिए 3.5mm जैक, देखिए इस जैक को आप जब निकाल दोगे वहाँ से, तब फ्रेंड्स ये ऑफ हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप DSLR में रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसको ऊपर कर देना है, अब DSLR लैपटॉप में तो इसको आपको सिंपली ऊपर कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली इसको खोल लेता हूँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका वायर है बहुत बड़ा दिया गया है, 20 फीट दिया गया है, जिससे आप लोग पूरा घर में घूम घूम के आप लोग वीडियो बना सकते हो। देखिए इसको ऐसे पकड़ना है और इसको राइट साइड में आपको घुमाना है, ठीक है। वहाँ पर मैं बुक देख कर ही सीखा था, मैं फ्रेंड्स मैं नहीं जानता था। मैं इसको खोल लेता हूँ, चल खोल जा। देखिए फ्रेंड्स एक खुल गया है, देखिए यहाँ पर आपको लगाना है बैटरी, ठीक है मैं बैटरी को लगा देता हूँ। प्लस को लगाना है इधर, देखिए फ्रेंड्स एक प्लस सिंबल आपको दिखाई देगा, इसको लगाना है आपको इधर, ठीक है फ्रेंड्स। लगा दिया हूँ, इसको कर देता हूँ बंद। और मैं झपाझप इसको सेट कर लेता हूँ, देखिए फ्रेंड्स पूरा जो वोया माइक है वो मैं सेटिंग कर लिया हूँ। आप फ्रेंड्स सिंपली ये जो जैक है आप लोग देख सकते हो, इस जैक को मुझे लगाना है मेरे फ़ोन पर, और उसके बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ पर देखिए, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको कर देना है स्विच को नीचे। एंड फ्रेंड्स इस माइक से आप कोई भी वीडियो शूट करना चाहते हो तो आप सिंपली
ओपन कैमरे का यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके फ़ोन में जो कैमरा है वो सपोर्ट नहीं लेगा बोया माइक को। आपको सिंपली ओपन कैमरा का जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके जो माइक है ओपन कैमरा में सपोर्ट करेगा। तो सिंपली फ्रेंड्स कैसे आपको इस माइक को सेटिंग करना है ओपन कैमरा में वो मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को माइक टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ बोया माइक को टेस्ट करने। मैं मेरे फ़ोन में बोया माइक का जो 3.5 mm जैक है उसको डाल दिया हूँ, एंड मैं जिस कैमरे का यूज़ कर रहा हूँ वो है ओपन कैमरा। ठीक है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मैं बोया माइक से शूट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो इसको। एंड फ्रेंड्स मैं पहले वाले जिस माइक को यूज़ कर रहा था वो यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो इसी माइक को मैं रख दिया हूँ एंड बोया माइक का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस माइक को आपके मुंह के सामने ऐसे नहीं पकड़ना है, आपको सिंपली 3 फीट दूरी पर रखना है। जैसे मैं रख देता हूँ आपको फ्रेंड्स यहाँ पर रखना है। एंड फ्रेंड्स आप लोग मैं जिस माइक से बात कर रहा हूँ बोया का माइक, आप लोग साउंड सुन के आप लोग ज़रूर से समझ गए होंगे कैसा साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिल रहा है। ज़रूर से अच्छा क्वालिटी का साउंड आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा। आप सिंपली मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन सी माइक का साउंड बेस्ट है। मैं सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों के साथ जो बात कर रहा हूँ वो बहुत ही धीरे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कैसा सुनाई दे रहा है आप लोग ज़रूर से बताना। आई होप आप लोगों को हाई फाई क्वालिटी का साउंड ज़रूर से सुनाई दे रहा होगा। एंड फ्रेंड्स मैं और एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इस माइक में फ्रेंड्स 3.5 mm जैक होने के बाद भी इस ये माइक मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं लेता था, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक सूता दिया हो, इसलिए फ्रेंड्स इसी तरह से मैं इस माइक को सपोर्ट किया था इस फ़ोन पर। एंड फ्रेंड्स दूसरा जो चीज़ है, इस माइक को यूज़ करने के बाद भी मुझे एक इको सुनाई देता था जब मैं वीडियो में खुद से सुनता था, तब फ्रेंड्स इस माइक से एक इको सुनाई देता था। लेकिन फ्रेंड्स इस माइक में अभी जो बोया का माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई भी इको सुनाई नहीं देगा, एंड बैकग्राउंड नॉइज़ को भी बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है ये माइक। तो फ्रेंड्स आप लोग साउंड सुनकर आप लोगों को ज़रूर से पता चल गया हो। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा ओपन कैमरा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है। आपको सिंपली फ्रेंड्स ओपन कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है वीडियो सेटिंग्स पर, इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से आपको ढूंढ लेना है ऑडियो सोर्स, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स आप देखना डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर सेव हुआ है कैमकोडर ऑप्शन, लेकिन फ्रेंड्स इस ऑप्शन को हटा के आपको कर देना है एक्सटर्नल माइक पर क्लिक। मैं सिंपली एक्सटर्नल माइक पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये जो है एक्सटर्नल माइक पर सेव हो गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको बैक आ जाना है। देखिए मैं जिस माइक पर मैं बात कर रहा हूँ ये है मेरा एक्सटर्नल माइक, इसलिए मैं वहाँ पर एक्सटर्नल माइक सेव किया हूँ। अब फ्रेंड्स आप जो भी कोई वीडियो शूट करेंगे एंड जो भी कोई बात करेंगे वो आपके एक्सटर्नल माइक से ही वो रिकॉर्डिंग होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए, एंड इस चैनल में आप न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके एंड आप हर एक वीडियो नहीं मिस कर सको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।